हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम ऑन माय चैनल। मेरा नाम है दिलीप, आप देख रहे हैं डीके इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इसकी जो चेकिंग डिटेल होती है वो कि इसके जो ये एसी डीसी कार होते हैं या डीसी कार होते हैं उसके जो ट्रांसफर लगे होते हैं, इसमें जो मॉस्फेट लगे होते हैं उसको ट्रांसफर को चेक कैसे करते हैं, उसका तरीका मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो की रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखें। तो अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू नोटिफिकेशन अगर आप तक पहुंच सके। और ये वीडियो जो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। ठीक है दोस्तों, कोई इंक्वायरी वगैरह करनी है तो कमेंट कर सकते हैं। तो इसको मैं चेक करने का तरीका आपको बताऊँगा आज वीडियो में। तो इसमें जो ट्रांसफर लगे होते हैं वो बहुत से नया नंबर के होते हैं, अलग अलग मुख्तलिफ नंबर के होते हैं, तो उसको चेक करने का तरीका एक ही होता है इसमें। तो वो तरीका आपको मैं बताऊंगा। अगर आपके पास एम्पियर मीटर है तो एम्पियर मीटर के हिसाब से बता दूंगा, अगर आपके पास लोकल मीटर है तो वो लोकल मीटर के हिसाब से हिंट दे दूंगा आपको। तो दोस्तों आइए मैं आपको चेक करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको एम्पियर मीटर पर चेक कराऊँगा, उसके बाद आपको जो क्लॉक जो होता है ना, क्लॉक के हिसाब से मीटर होता है वो लोकल मीटर में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस मीटर को आप ओम्स पर रखने हैं, ये वाला मीटर है इसको डिजिटल मीटर पर ओम्स पर रखने हैं। ओम्स पर रखकर उसके ट्रांसफर को चेक करने का तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसके जो पीछे वाली तार है ये वाली अर्थ की होती है, ये वाली पीछे वाली के तार को उसको चेक करके यहाँ पर मीटर को अर्थ वाला तार रखना है और यहाँ पर प्लस रखना है। ठीक है, तो इसकी जो चारों तारों हैं इसके जो कनेक्शन है उसको एक बारी बारी चेक कर लें। तो वहाँ पर रख कर एक ही चेक कर लें, जिसके ये सायरन बता रहा है, शार्ट बता रहा है, ये देखें शार्ट बता रहा है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी लाइन चेक कर लें, तीसरी लाइन चेक करें, चौथी लाइन चेक कर लें। ठीक है, तो उसके अलावा ये मीटर की तार जो है एक्सचेंज करके दोबारा इसमें चेक कर लें। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली लाइन वैसे शार्ट बता रहा है। ठीक है, ये तीनों चैनल सही है, तो दोस्तों ये ख़राब है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा तीन चार किस्म के हिसाब से ख़राब होते हैं, तो उस सारे तरीके आपको बता रहा हूँ। तो इसमें कौन से यहाँ पर कौन से सही है वो आपको बता दूंगा। तो ये देखें, इसमें कोई तार भी नहीं बता रहा। ठीक है, ये वाला लास्ट वाली बता रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा फोर्थ नहीं बता रहा। इसके अलावा तार को फिर से उल्टी कर दें तो ये देखें। ठीक है दोस्तों, इसकी ये वाली लास्ट वाला तार ये ख़राब बता रहा है, तो ये भी ख़राब है। जो सही होंगे वो बताएंगे नहीं। ये देखें, इसकी फर्स्ट वाली लाइन ख़राब है। ठीक है, पहले मैं आपको ख़राब चेक कराऊंगा सारे, उसके बाद आप जो सही होते हैं वो चेक कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखें, इसमें ये वाली लाइन ख़राब है और इसमें ये वाली लाइन भी ख़राब है। ठीक है, इसमें ये वाली लाइन ख़राब है, तो अभी दूसरे चेक कर, इसमें नंबर सारों में अलग अलग है। ठीक है, तो वो एक नंबर के थे, इसमें ये दूसरे नंबर में आए 3708 में, तो इसको चेक करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट वाला लाइन शार्ट है, सेकंड वाला लाइन भी शार्ट है, तो लाइन इसकी शार्ट है। ठीक है दोस्तों, इसकी फर्स्ट वाला लाइन शार्ट है, सेकंड वाला सही है, थर्ड वाली शार्ट है, तो ये भी ख़राब है। तो ये देखें, उसकी फर्स्ट वाली लाइन ख़राब है, इसकी भी ख़राब है, क्योंकि मैं आपको फिर से बता दूँ, फर्स्ट वाली लाइन ख़राब है। ठीक है, इसकी फर्स्ट वाली लाइन ख़राब है, इसकी फर्स्ट वाली लाइन ख़राब है, इसकी दो लाइन ख़राब है। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये हो गए ख़राब, ख़राब को चेक करने का तरीका। इसके अलावा जो सही होते हैं उसको चेक कराने का तरीका बताता हूँ उनको। तो दोस्तों मेरे पास नया आता फिलहाल ख़त्म है, इसमें आप चेक करा देता हूँ कि इसको चेक कैसे कर सकते हैं सही है ख़राब। तो ये पहले इसमें बोर्ड में लगे हुए हैं, यहाँ निकाल लें, दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं इसको। तो ये देखें, इसमें बोर्ड में लगा हुआ है, तो ये देखें मीटर में उसको चेक किया, तो ये देखें इसकी लास्ट वाली फर्स्ट वाली लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
तो ये नहीं बताना। इसके अलावा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये भी नहीं बताना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये सही है तो ये नहीं बताएंगे। अगर खराब होगी शार्ट लगाऊंगी तो ये बताएंगे। ठीक है दोस्तों।